रुक जाओ, अपने अपने मुखौटे खोल दो। जाओ अंदर। करना है कर लो, लेकिन तुम अब मुझसे अब ये काम नहीं करवा पाओगे। ये इंसानियत नहीं है, हैवानियत का काम है। तुम लोग मानव नहीं, दानव हो, दानव हो तुम। कान खोल कर सुन लो, जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसे हमेशा के लिए सुला देंगे हम। इतना क्या मेकअप करती हो रिया? कुछ देर और अगर मेकअप कर लेती ना तो आज रेस्टोरेंट बंद हो जाता। ओ कम ऑन जगत, लड़कियां बिना खाने के रह सकती हैं, पर बिना मेकअप के नहीं। एनीवेज तुम नहीं समझोगे ये सब। अच्छा तुम मेनू देखो, मैं प्लेट लेता हूँ। ओके। ये कितना ऑयली है, मैं नहीं खाऊंगी ये सब। या थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता है। नहीं, मुझे तो अपना 6 किलो वेट और कम करना है। एक काम करती हूँ, सूप ले लेती हूँ। मैडम जी, इतनी डाइटिंग करोगी तो एक दिन हवा में गायब हो जाओगी। ठीक है, तो ये ग्रैप सूप है, वो ले लो। ठीक है। ओके। उफो, यहाँ तो सूप बॉल ही नहीं है। सॉरी मैम, एक मिनट। प्लीज। थैंक यू। हो गया रिया? हाँ, चलो। कह रही थी तुम्हारे दीदी का कॉल आया था। दीदी का नहीं, मामा का फोन आया था। अच्छा, मामा का कॉल था। हाँ तो रिया क्या कह रही थी तुम्हारी मामा? अरे यार, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। हाँ, वो कह रही थी ना कि क्या हुआ रिया? कैसा तो लगा? क्या हुआ रिया? खाना गले में तो नहीं है क्या? आप सूप पी रही था। रिया, मुझे पानी पिलाओ ना उसे। क्या क्या हुआ है? रिया रिया, ये लो पानी। रिया पानी, ये तो मर गई है। रिया रिया उठो, रिया 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 उठो, रिया रिया। कौन है इस होटल का मैनेजर? सर मैं हूँ मैनेजर। तुम इस होटल के मैनेजर हो? क्या मिलाया था तुमने सूप में? सर हमने सूप में कुछ नहीं मिलाया था सर। तुम जाकर बावर्ची को बुला कर लाओ जल्दी। बावर्ची को बुलाने की जरूरत नहीं है, अब तो CID आएगी। Thank you.
कैसे हुआ ये सब? सर, मैं और रिया इस डाइनिंग हॉल में जब दाखिल हुए तब तक रिया बिल्कुल ठीक थी सर। जैसे उसने ये सूप पिया और कुछ ही पलों में उसे बेचैनी होने लगी और ये सब कुछ हो गया। रिया को इससे पहले भी ऐसा कभी कुछ हुआ था? नहीं सर। कोई पुरानी बीमारी? नहीं सर, रिया बिल्कुल तंदुरुस्त थी सर। वो तो सर इन लोगों ने उस सूप में जहर मिलाया और मेरी बीवी को मार डाला सर। कमाल करते हैं आप, पिछले दो घंटे से आप एक ही बात दोहराए जा रहे हैं। सर आप ही सोचिए, रिया मैडम ने जो सूप पिया है, हमारे बाकी गेस्ट ने भी वही सूप पिया है। सर अगर सूप में जहर होता तो बाकी लोगों पर भी तो इसका असर होता। आप लोग आपस में बहस करना बंद कीजिए। अच्छा, आप लोगों ने भी सूप पिया था तो आप लोगों को बेचैनी नहीं हुई? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। पर मुझे इस औरत की लाश देख करके बेचैनी हो रही है। मैम, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए आप। सॉरी सर, असल में मैं दो बाउल भर के सूप पी थी, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। आबरी, कुछ पता चला? सर पूरी बॉडी अच्छी तरह से चेक कर, बॉडी में जहर का कोई सिम्टम नहीं है सर। कोई सिम्टम नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन लोगों ने भी वही सूप पी, पर इन्हें कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। तो अब क्या करें सर, डेड बॉडी को फोरेंसिक भेज दो। तो जिसने ये सूप बनाया उससे मिलते हैं, इस होटल का रसोई घर चेक करते हैं। सर आप यकीन करिए, सूप में जहर बिल्कुल नहीं था। रिया मैडम की मौत एक हादसा है। सर अगर आप चाहें तो मैं और मेरा पूरा स्टाफ आपके सामने सूप पीकर दिखाते हैं। मैं आप लोगों को एक आखिरी मौका देता हूं, सच बताओ, क्या सूप में जहर था? नहीं साहब, सूप में जहर नहीं था। सर सूप मैंने ही बनाया था सर। जब से ये रिसोर्ट शुरू हुआ है तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ सर। कभी भी किसी भी गेस्ट के साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ सर। फिर मैं किसी गेस्ट को क्यों मारूंगा सर? सर सर अंदर कोई जहरीली चीज नहीं मिली। आप सब लोग एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आप में से किसी ने भी कोई चालाकी की, किसी भी चीज को हिलाने की या मिटाने की कोशिश की, तो माफी मांगने के लायक नहीं रहोगे, समझे? इस बात पर तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। जानता हूं तारिका, और खास तौर पर वो प्रद्युमन तो बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। उसे समझाने के लिए तो ये सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। क्या समझाना चाहता था तू सालंकी, कि रिया के सूप में जहर था? जहर नहीं था, बस मैं रिया का सूप और बाकी खाने की चीजें टेस्ट कर चुका हूँ। रिया की मौत जहर की वजह से नहीं हुई। जहर की वजह से नहीं हुई तो फिर हुई कैसे मौत? एलर्जी से। एलर्जी से? हाँ बस, जैसे ही रेहा ने वो क्रेप सूप पिया, उसके फूड पाइप में स्वेलिंग होने लगी, वो सूजने लगा, जिसने ट्रेकिया पर प्रेशर डाला और उसकी वजह से इसका दम घुट गया और ये मर गई। अगर रिया की मौत एलर्जी से हुई है, जहर से नहीं, तो फिर इसके पति का शक भी सही नहीं है। कोई केस है ही नहीं? नहीं बॉस, केस तो है, रिया का केस नहीं है, लेकिन एक और केस आप लोगों का इंतजार कर रहा है। वो क्या? सर होटल में से जो प्लेट, चम्मच और बोल आप लोग लाए थे, उसमें से एक अजीब बात पता चली है। अजीब बात मतलब? बताता हूँ, आइए। बस ये चम्मच सेरेमिक का है और सेरेमिक 3000 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने लगता है। अब मैं इसे हाई टेम्परेचर बीम पर तोड़ता हूँ। लेकिन सर आप इसे तोड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये ऊपर से सेरेमिक का है, इसके अंदर कुछ और है। सालुंखे,
ये तो हड्डी है। हाँ बॉस, ये एक हड्डी ही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि किसी जानवर की हड्डी नहीं है, बल्कि ये एक इंसान की हड्डी है। क्या, इंसान की हड्डी? हाँ, किसी इंसान की पेल्विक बोन को काट कर उस पर सेरेमिक कोटिंग की गई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? हो सकता है, मैं बताता हूँ। बॉस, हजारों साल पहले भी लोगों ने इंसान की हड्डियों से क्रॉकरी बनाई है। ये देखो, ये जो चम्मच है, ये किसी ने छोटे बच्चे की उल्ना, ये हाथ की ऊपर वाली हड्डी को तराश के बनाई है, जैसे कि वो चम्मच बनी है। और इतना ही नहीं बॉस, वो जो प्लेट आप लोगों को होटल से मिली है, उसमें तो एक नहीं, अलग अलग 12 इंसानों की हड्डियां मिली हुई है। उस प्लेट में 12 लोगों की हड्डियां मिली है? हाँ। माय गॉड, कौन कर सकता है ये? ये तो कोई ऐसा आदमी कर सकता है जिसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। पता लगाना पड़ेगा होटल से कि उनको क्रॉकरी कौन सप्लाई करता है। क्या सर, ये क्या बोल रहे हैं? इंसानों के हड्डियों से बने हुए बर्तन? हाँ, और ये सारे बर्तन हम ले जा रहे हैं ताकि चेक करके देख सके ये भी वैसे ही इंसानों की हड्डियों से बने हैं या नहीं। और अगर सब के सब जेल की हवा नहीं खाना चाहते हो तो जल्दी से बताओ, ये इंसानी हड्डियों से बनी क्रॉकरी इस रिसॉर्ट में कहां से आई है? सर, हम तो बावर्ची हैं, सामान खरीदने और पसंद करने की जिम्मेदारी तो मैनेजर साहब की है। नहीं सर, मैंने ये क्रॉकरी बिल्कुल पसंद नहीं की सर। सर, आज एक सेल्समैन आया था सर, उसने ये सैंपल के तौर पर दिया। सर, महंगाई कितनी बढ़ गई है, इतने बड़े रेस्टोरेंट में भी क्रॉकरी का बजट नहीं है, सैंपल से काम चला रहे। ये सैंपल की क्या कहानी है? हाँ सर, आज सुबह एक सेल्समैन आया था, उसने ये सैंपल दिखाते हुए कहा कि अगर ये क्रॉकरी सबको पसंद आ जाए तो इसे होलसेल में ऑर्डर कर देना। कुछ बताया उसने, किस कंपनी से आया था वो? हाँ, मैंने उससे कंपनी का नाम पूछा था तो उसने बताया कि उसके बॉस की कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, वो लोग कुछ हस्तकला का उनका छोटा मोटा कारोबार है। अगर उसे होलसेल में ऑर्डर की उम्मीद थी तो उसने अपना नाम, पता या फोन नंबर तो दिया ही होगा ना? हाँ सर, उसने अपना नाम धवल बताया था सर, और नंबर भी दिया है। सेल्समैन धवल। सर, ये रहा धवल का घर, मोबाइल कंपनी वालों ने यही एड्रेस बताया था। मेरा शक सही निकला, धवल है ही नहीं यहाँ पे। साहब, आप लोग धवल से मिलने आए हैं क्या? धवल के रिश्तेदार हो क्या आप लोग? जी नहीं, हम लोग सीआईडी से। बाबा रे बाबा, सीआईडी से? देखा, मुझे मालूम था कि वो एक नंबर का लफड़ेबाज है। ऐसा क्यों? क्योंकि साहब वो सुमड़ी में रहता था, खाना भी बाहर से आता था और पानी भी। कब से रह रहा था वो यहाँ पे? 3 महीने हो गए मैडम, लेकिन 3 महीने में मुश्किल से 3 बार किसी से बात किया होगा। अच्छा, ये बताइए कि इस धवल के बारे में कोई ऐसी बात जो आप लोगों को अजीब सी लगी? 2 हफ्ते में एक बार एक वैन आता था, वो भी देर रात को। कैसी वैन? वो तो मालूम नहीं साहब, लेकिन वो वैन यहाँ घर के सामने आकर खड़ी रहती थी, यहाँ। और दूसरा आदमी उसमें से बड़ा बड़ा कार्टून निकाल के घर के अंदर ले जाता था। ठीक है, अगर आप लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम बुलाएंगे, आप लोग यहीं रुकिए। जी। क्या हुआ श्रेया, कुछ मिला क्या? सर ये देखिए, शायद धवल की फोटो है। धवल की फोटो? इस फोटो को देखिए, क्या यही धवल है? हाँ साहब, यही धवल है। Sir! My God!
ओह नो, इतने सारे कंकाल। लेकिन सर, धवल ने इन लोगों का खून किया, किसी को पता कैसे नहीं चला? ये लोग चीखे तो होंगे, बदबू तो आई होगी। नहीं श्रेया, इन्हें यहां नहीं मारा गया है, बल्कि इन्हें बाहर मारा गया है और इनकी हड्डियों को लाया गया है कार्टन्स में। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग थे कौन जो मारे गए और धवल ने इन्हें मारा कहां है? सर, एसीपी सर ने कहा है कि सारी क्रॉकरी की दुकानें चेक करो, पर कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा। श्रेया, मुझे पूरा यकीन है कि ये क्रॉकरी जिन्होंने होटल में दी है तो किसी ना किसी दुकान में भी जरूर दी होगी। ध्यान से देखते रहो। सर, सर ये भी क्रॉकरी की दुकान ही लग रही है। चलो चल के देखते हैं। भाई साहब, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। अच्छा ये बताइए कि इस तरह की क्रॉकरी कौन बनाता है और कहाँ बनाई जाती है? सर ये देखिए, इस प्लेट पर भी बिल्कुल वैसी डिजाइन बनी हुई है। इस दुकान के मालिक कौन है? हम दोनों सर, मेरा नाम मानिक और ये मेरा भतीजा सागर है। आप लोग हमारी दुकान पर क्यों आए? क्रॉकरी बेचना कोई गुनाह है क्या? क्रॉकरी बेचना तो गुनाह नहीं है, लेकिन इस तरह की क्रॉकरी बेचना गुनाह जरूर है। ये बताइए, इसे सप्लाई कौन करता है आपको? सर ये कोई बड़ी फैक्ट्री का माल तो है नहीं, बाकी और क्रॉकरीज की तरह इस पर किसी कंपनी का नाम नहीं है। सेल्समैन आते हैं और सैंपल के तौर पर ये सेट यहाँ छोड़ जाते हैं, बाकी उनका माल बिकता है तो ये रोकड़ा हम उनको दे देते हैं। और ये माल लगातार नहीं मिलता, 2-3 महीने में एक ही बार आता है। और हाँ, हर बार सेल्समैन भी अलग अलग होते हैं। इसे पहचानते हैं आप लोग? हाँ, अरे ये तो वही सेल्समैन है ना जो पिछले 2-3 महीनों से ये माल सैंपल के तौर पर हमें देखा जाता था। क्या नाम था इसका? धवल, और आजकल फरार रही है। सर आप क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन आइंदा से इस तरह की क्रॉकरीज अपनी दुकान में मत रखिएगा, समझे? लेकिन क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सिरामिक से नहीं बल्कि इंसान की हड्डियों से बना है। सब सही, देखिए वैसी ही प्लेट है और वैसा ही बोल है, रिपेयर और रिपेंट करने के लिए पीछे रखा हुआ था। भाई साहब, इसे रिपेयर और रीपेंट आप किससे और कैसे करवाते हो? सर वो धवल, वही ऐसे खराब पीसेस को खुद आकर वापस ले जाता है और वर्कशॉप में रिपेयर करवाता है। श्रेया, एक बार ये पता चल जाए कि ये कारीगर हैं कौन, तो सप्लायर कौन है ये खुद ब खुद पता चल जाएगा। सर धवल के घर से जो खोपड़ियां मिली हैं, उसके जरिए डॉक्टर साळुंखे ने अब तक 15 लोगों के चेहरे बनाए हैं। सर ये है वो लोग। सर ये सारे लोग लावारिस हैं और इनका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं। धवल कहाँ रहता था? सर दहिसर के पास किसी रजाना गांव में। दहिसर के पास किसी रजाना गांव में? इस रजाना गांव के पास तो कोई मुर्दागर है, और ये जो कोई भी ये सब कर रहा है तो जरूर कहीं ज्यादा दूर नहीं जाएगा लाशों के लिए। रजाना गांव के पास के मुर्दागर से ही लाशें उठाई होंगी उसने। पता लगाओ इस मुर्दागर से। उस समय से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुर्दागर से कुछ लाशें कम हुई है, लेकिन जब आपने कंकाल की मदद से बने हुए चेहरे दिखाए तब मुझे यकीन हुआ। आप यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके नाक के नीचे लाशें गायब हो रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा है? मुझे अपने स्टाफ पर जरूरत से ज्यादा विश्वास था, तो गलती मेरी है सर। ये हमें देख के भाग क्यों गया? पता नहीं, हमारे बारे में इसे कुछ बताया था क्या? सिर्फ इतना है कि सीआईडी गायब लाशों की इंक्वायरी कर रही है। दरवाजा खोलो, तुम बच के जा नहीं सकते, खोलो दरवाजा।
जिंदा रहने के लिए मुर्दों का सहारा ले रहा है, है? छोड़ दो मुझे, जाने दो। कहाँ जाएगा? तुझे तेरी मंजिल तक तो हम लेकर जाएंगे। लाशों की चोरी करता है। ये करता था लाशों की चोरी? हाँ, और ये मत पूछना कि लाशों के साथ ये क्या करता था। ले चलो इसे। कुछ साबित नहीं कर पाओगे इंस्पेक्टर, कुछ भी नहीं। श्रेया, तुम्हें पूरा यकीन है कि यही वो जगह है? हाँ सर, हमारे खबरी ने इसी जगह के बारे में बताया था, जहाँ पर क्रॉकरी पर हैंड पेंटिंग करने वाले कारीगर काम करते हैं। सर, उसने तो ये भी बताया था कि इनमें से कुछ कारीगर रात में कभी कभी गायब हो जाते हैं। जी कहिए। हमें क्रॉकरी पे, देखिए मैम, हम क्रॉकरी नहीं बेचते, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई मैम। हम लोग तो बस यहाँ के कारीगर हैं और इसमें पेंटिंग करते हैं। हमें भी ऐसे कारीगर की तलाश है जो इस तरह की पेंटिंग कर सके। ये देखिए, नहीं साहब, ऐसा काम हमने कभी नहीं किया साहब। लेकिन हमने तो सुना है कि ऐसा काम आपके वर्कशॉप में होता है, इतना बारीक और सुंदर काम आप ही लोग करते हैं। देखिए, आप ये काम करेंगे तो हम आपको पैसे देंगे। हमें फायर किया मैंने। अच्छा, गोली नहीं लगी। बोल, डबल को क्यों मारा तूने? बोल। सर, 5 घंटे से गाड़ी में बैठे हुए सर। सिरामिक क्रॉकरी, सिरामिक फ्लावर वास, सिरामिक शोपीस, ऐसी छोटी मोटी फैक्ट्रीज और वर्कशॉप में जा जाके हम लोग ने पूछताछ कर ली सर, कुछ नहीं मिला सर, और कुछ भी नहीं मिलेगा सर। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम CID में CID वालों की मदद करने के लिए आए हैं। काम को लेकर इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। सर, ACP सर को क्या जवाब देंगे? अरे भोले राजा, जवाब क्या देना है? कह देंगे सर मेहनत तो पूरी की थी लेकिन नतीजा टाइम टाइम पे। सर, अगर ऐसी बात तो हम लोग गाड़ी में इतना लंबा क्यों आए सर? हम गए नहीं गए किसी को पता भी नहीं चलता था, क्योंकि ये फैक्ट्री और वर्कशॉप की लिस्ट सिर्फ हमारे पास है, ब्यूरो में किसी भी कॉप के पास नहीं है। थोड़ा नाटक, थोड़ी नौटंकी करनी पड़ती। देख, हमारे आने का फायदा क्या है कि अगर CID के पुराने वफादार ऑफिसर्स में से किसी ने भी हमारे फोन को ट्रैक करके उसे क्रॉस चेक किया तो कम से कम ये तो पता लगेगा कि हम लोग यहाँ आए थे। कितने स्मार्ट है सर आप, कोई नया डायलॉग बोल। अच्छा, एक फैक्ट्री है ये 1978 से बंद पड़ी हुई है, वहाँ मिट्टी के बर्तन बनते थे, चल के वो भी देख लेते हैं। सर, वहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाले, मुझे बहुत भूख लग रही है, सीधा लंच खाने चलते हैं। और तुम मुर्दाघर में लाशों की हिफाजत करने के बजाय का सौदा करते थे, हाँ या ना? हाँ, सब किया था, लेकिन मैं तो सिर्फ लावारिस लाशों का ही सौदा किया करता था साथ, बस लावारिस लाशों का ही। धवल, धवल क्या करता था? क्या करता था वो लाशों के हड्डियों के साथ? सर, सर उसने बताया मेरा एक बॉस है, वो इस हड्डियों से दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रॉकरी बनाना चाहता है सर, दुनिया की सबसे बड़ी बेहतरीन। कौन है धवल का बॉस? कौन है वो बॉस, बताओ? नहीं पता साहब, नहीं पता, बाकी सब मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे छोड़ दो। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे सचिन। राजा,
और तुम दोनों धवल का खून क्यों किया? हमने खून नहीं किया साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। तो फिर भागा क्यों मार? साहब हम अपना काम कर रहे थे साहब, धवल जी तो गुंडों के साथ आए और कहा कि CID आ रही है, डर के भागने की कोशिश मत करना नहीं तो CID वालों को शक हो जाएगा साहब। साहब पता नहीं अचानक क्या हो गया, धवल जी वहीं पे गिर गए साहब और साहब गिरते वो मर गए साहब। बताओ तुम्हें मालूम था ना क्यों क्रॉकरी इंसानी हड्डियों से बनती थी? हाँ साहब, हम गरीब आदमी है साहब, हमें क्रॉकरी पेंट करने का 20,000 रुपया मिलता था साहब। साहब हम मना नहीं कर सकते साहब, अगर काम करने से कोई मना करते ना साहब, सब उनको भी मार के उनके हड्डियों की क्रॉकरी बना देते साहब। कहाँ ये फैक्ट्री, कहाँ है फैक्ट्री बताओ जल्दी। साहब गुंडे हमारी आंखों में पट्टी बांध कर ले जाते थे साहब, हम नहीं जानते साहब। आंखों पर पट्टी बांधते थे तो अभी यहाँ पर अपनी आंखें बंद करो और बताओ बताओ कहाँ लेके जाते थे वो, कैसे लेके जाते थे? आंखें बंद याद करो। वो साहब पनवेल की जरी चौक से हमें कार में बिठाते थे साहब और लोनावाला की तरफ लेके जाते थे साहब। सर दिखने में तो कितनी बड़ी फैक्ट्री लग रही है ना, अब चलें यहाँ से सर, मुझे बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है, वैसे भी उन लोगों को मालूम पड़ जाएगा ना कि हम लोग यहाँ पे आए थे। अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर भी देख लेते हैं। अरे सर ये फैक्ट्री 1978 से बंद पड़ी है, फिर ये ताला नया कैसे? सर अभी तो आपने कहा था कि हम लोग CID का काम करने नहीं आए, तो ये ताला नया हो कि पुराना आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे बुद्धू यही तो मौका है, देख अगर कोई काम की चीज हाथ नहीं लगी तो बोल देंगे सर हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अगर कोई सुराग या सबूत हमारे हाथ लग गया तो सोच पूरे शहर में ढिंडोरा पिट जाएगा कि सूरज और पंकज ने इतना मुश्किल केस अकेले ही सॉल्व कर लिया, जिसे CID के बड़े बड़े दिग्गज भी सॉल्व नहीं कर पाए थे। हाँ सर समझा, एक काम कर आसपास जरा जाकर देख कोई मिलता है क्या, मैं ये ताला तोड़ने की कोशिश करता हूँ। ओके सर। सर मैं कह रहा हूं अभी भी वक्त है, दया सर और अभिजीत सर को बुला लीजिए, ये जगह बहुत डरावनी है सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप, ऐसी छोटी मोटी तहकीकात के लिए उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है, खुद कुछ नहीं करेंगे क्या? चुपचाप मेरे पीछे आओ, देखिए इस कमरे में है क्या। कारीगरों का कहना था कि पनवेल के जरी मार्केट से उनको उठाते थे, आंखों पे पट्टी बांधते थे और फिर लोनावाला की तरफ 20 से 25 मिनट तक लेके जाते थे गाड़ी में सर, और करीबन 10 मिनट के बाद गाड़ी दाहिने मुड़ जाती थी। 6-7 मिनट तो हो गए हैं लोनावाला की तरफ, देखते हैं आगे कौन सा राइट टर्न है। चिरंगी लेन, चिरंगी लेन यही हो सकता है, इधर ले लो।
सर ये रास्ता तो शहर से दूर जंगल की तरफ जा रहा है। सर उम्मीद है कि उन कारीगरों का अंदाजा सही होगा। और भी 6 महीने से लगातार उन लोगों को इसी रास्ते पे लेके जा रहे हैं, उनका अंदाजा गलत नहीं होगा। ये सूरज और पंकज का भी मोबाइल आखिरी बार यहीं पे ट्रैक किया गया था। इधर ही चलो। सर रास्ता बंद है यहाँ पर। करीब 25 मिनट हो भी गए। तो सर उन कारीगरों ने ये भी बताया था कि गाड़ी से उतरने के बाद करीब 5 मिनट तक उन्हें जंगल में पैदल ले जाया जाता। चलो फिर जंगल में चलते हैं। आपसे कहां था ना दया सर और अभिजीत सर को बुला लेते, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं। चुप कर, हर वक्त रोता रहता है। अरे रोऊंगा तो क्या करूंगा सर, ये वही नरक है जहां पर इंसान की हड्डियों के साथ ये लोग सिरेमिक की प्लेट्स और सूप बोल्स बनाते हैं। सर सर मैं आपके हड्डियों के प्लेट और सूप बोल्स बनते हुए नहीं देख सकता हूं सर। चुप। अरे कुछ नहीं होगा हमें। सर कैसे कुछ नहीं होगा, सीआईडी की टीम को पता भी नहीं कि हम लोग कहां पर हैं और हमारे पास बंदूकें भी नहीं है। तो क्या होगा, भूल गया सीआईडी की ट्रेनिंग, हम सीआईडी वालों को बंदूक नहीं हाथों से लड़ना भी सिखाया जाता है। और आज हम सिर्फ सीआईडी की इज्जत के लिए नहीं अपनी जान के लिए भी लड़ेंगे। अभी सुन, ये मेरी पतलून को थोड़ा सा ऊपर कर। हाँ पतलून को ऊपर करना। अरे पकड़ना इधर। और ये मोजे में से ये स्ट्रैप, हाँ ये स्ट्रैप को पकड़। हाँ सर हाथ में आ गया सर। अब देख क्या रहा है, काटना रस्सी। सर आप कितने स्मार्ट है सर। पुराना डायलॉग। सर इतने बड़े जंगल में उस जगह को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। याद है उन कारीगरों ने कहा था ना कि जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उनके शरीर पर पानी के छींटे पड़ते थे। सर यहाँ ना तो कोई नदी है ना ही कोई झरना, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। सर नहीं ऐसे तो नहीं कहीं कोई पानी का पाइप वाइप फट गया हो सकता है। ढूंढो। अरे शेरा देख क्या उन दोनों सीआईडी ऑफिसर्स को, अब तक तो होश आ गया होगा, कब से तड़प रहा हूं उन दोनों से मिलने को। जा देख क्या जल्दी। यस बॉस।
विनीत पूर्वी यहाँ अंदर पानी का पाइप जा रहा है। यहाँ पे पानी की पाइप फटी हुई है तो लगता तो हम सही जगह आ गए। सही करो विनीत, यहीं कहीं आसपास होगी वो जगह। तो ये है वो जगह जहाँ पे सूरज और पंकज को कैद करके रखा है। चल चल फटाफट। चल चल अंदर चल। आओ मेरे मेहमानों आओ। अब तक तो तुमने देख लिया होगा ये मेरा छोटा मोटा कारोबार। तुम आप लोग हमारी दुकान पर क्यों आए? क्रॉकरी बेचना कोई गुनाह है क्या? सर ये वही सागर है जिसकी होलसेल मार्केट में सिरामिक्स की दुकान है। हाँ सागर सागर। मैं प्यार का सागर हूं, दया और मानवता का सागर। दिल दरिया है मेरा, मैं तो सिर्फ एक समाज सेवक हूं। इंसानों का दिया इंसानों को ही लौटा देता हूं। इंसानों की हड्डियां मिट्टी में क्यों मिलें? इन हड्डियों से बर्तन क्यों ना बनाए जाएं? हैं? दुनिया की सबसे अनोखी क्रॉकरी बनाता हूं मैं, इंसानों की हड्डियों से बनी हुई क्रॉकरी। और इस बार तो कुछ अनोखा डिजाइन करना होगा, कुछ स्पेशल। इसमें सीआईडी अफसर्स की हड्डियां। और उस रेंज का मैं अनोखा नाम रखूंगा। हाँ सीआईडी स्पेशल रेंज। सब कुछ बिक जाएगा। चुप। ये तू ठीक नहीं कर रहा है सागर। तुझे अंदाजा नहीं है कि हम सीआईडी वाले क्या कर सकते हैं। सीआईडी वाले नहीं करूंगा अब मैं। शेरा लेके जाए इन दोनों को और जिंदा तेजाब में डालते हैं। कुछ ही देर में दोनों तड़प तड़प के मर जाएंगे। उसके बाद इन दोनों की हड्डियों से बनेगी सीआईडी स्पेशल क्रॉकरी। लेकर जाओ। और बर्दाश्त नहीं हो रहा सर। सीआईडी की हड्डियों से क्रॉकरी बनाएगा। हाँ।
मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। ये तो एक कला है। कला? इंसानी हड्डियों से बर्तन बनाना, ये कला है। बर्तन बनाना कोई जुर्म थोड़ी है। मैं तो मुर्दा घर से सिर्फ उन्हीं लाशों को खरीदता था जो लावारी सकती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन लाशों की हड्डियां जमीन में गलकर मिट्टी बन जाए। जब तुम्हारा काम मुर्दों की हड्डियों से चल रहा था तो फिर मासूम लोगों की जाने क्यों ली? जो भी मेरे रास्ते में आया, जिसने भी मेरे कारोबार में दखल देने की कोशिश की, मैंने उसकी जान ली। सबसे पहले तो मैं उन कारीगरों को मारता था जो मेरा काम करने से मना करते थे, और फिर उसके बाद में उनकी हड्डियों से बर्तन बनाता था। और धवल, धवल को क्यों मारा तुमने? धवल मेरा बहुत चहेता था, दाहिना हाथ था मेरा, लेकिन क्या करें, आप लोगों ने उसको पहचान लिया और धंधे की वजह से मुझे उसको मारना पड़ा। अब आज की बात अपनी खुद की हड्डियों के अलावा और किसी की भी हड्डियों को महसूस नहीं कर पाओगे। मेरी हड्डियां मरने के बाद मैं अपनी हड्डियों से भी बर्तन बनाऊंगा। इस तपस्या को कोई भंग नहीं कर सकता। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कोई भंग नहीं कर सकता। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है इसे। फिर अदालत ही तय करेगी इसे क्या सजा देनी है। ले जाओ इसे।